अच्छा ना कहिला तू, बहुत गलत कहिला, हम बहुत नाराज बानी। खड़ा कहे बड़ा, हमके जवाब चाही। दादी कैसन जवाब? तू हमनी के तनु के मम्मी डैडी के यहाँ आवे के असली वजह काहे ना बतौला? दादी दरअसल हम सोचले रहनी के दादी इनकर कोनो गलती ना बाए में। तू तो चुप रह, तहरा के सब पता रहे ना, फिर भी तू हमनी के कुछ ना बतावलू। वो तो अच्छा भाई कि तनु के मम्मी डैडी हमनी के सब कुछ अपने आप ही बता देले, ना तो तू दोनों तो हमनी के अंधेरा में रखले रहला ना। सॉरी दादी। और तू तहरा पे तो हम सबसे ज्यादा भरोसा कई, और तू ही हमसे सच छुपाउलू। अरे हमार बच्चा, तू तो सच में रोवे लगलू। अरे इतना भी बड़ बात नहीं खे, जब तनु खुद हमनी के ई ना बतावलक कि ओकर मम्मी डैडी ओकराला लइका देखे आयल बारे, त तहरा से शिकायत कैसे? हाँ शिकायत बस इतने लिया कि काश हमनी के पहले पता होखत तो हमनी इनकर मदद पहले ही शुरू कर दे। अब कौन सा देर हो गयल, आप हमनी के हेल्प अब कर दी? श्योर जरूर करब। आप अपन घरे बेफिक्र होके जाई, देखी हाँ जब आप वापस आई है ना तो हमनी आपके लड़की खातिर बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के रखब। जी जरूर। आई थिंक हमार मर जाए भी अच्छा भैया, है ना? ये सब के लिए अच्छा हुई। तनु ऐसे ना बोले के, तू एक बार हमने की बात सुन ले बेटा, ऐसे ना करे के, दे ऊंचा कूदे हमके, दे। देखा हम लोग आराम से बैठ के बात करा था नीना। हाँ। आप लोग हमारे पास रास्ता ही कहाँ छोड़ ले बड़े, आप लोग अभी की दादी से बात करके उकरा पे प्रेशर डाल रहे बड़े। अगर अभी की दादी से क्यों गलत तरीका से बात करे तो अभी उकरा से सारा रिश्ता नाता तोड़ देला। अगर ये सब कुछ सुन के दादी के कुछ हो गयी तो अभी हमारे से सारा रिश्ता नाता तोड़ दी। हम अभी के बिना कैसे जियो, हम मर जात बानी, सारा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ऐसा ना सोचा जला बेटा, चाकूदा चाकूदा। हाँ, हम ही चाकू ना दे जब तक आप लोग ही प्रॉमिस ना कर ले कि आप दादी के कुछ ना बताए। सच तो उनके बतावे के पड़ी ना, तमके भी मरे के ही पड़ी। तनु ठीक बात, तू जैसन कहबू हम लोग वैसा नहीं करब। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ये पेरेंट्स भी ना, इनके समझावेला का ड्रामा करे पड़ेला। इतना जेन्युइन एक्टिंग खातिर तो हमके अवार्ड मिले के चाहिए। बुलबुल ही बिल्कुल अच्छा नहीं गया। हमारी हेल्प करो। बुलबुल हाँ देखा बा, हमरा वजह से लगल ना दर्द हो रहा बा, बहुत बहुत प्यार आ रहा बा। चल माजी अच्छा हो गई, सारा खरीदारी हो गई, इतना थक गई नहीं कि दादी बुलबुल आप लोग कब आई? कहाँ हो रहा? नमस्ते आंटी। हमारे आँख में ना कुछ चल गए रहे, तो हम पूरब से कहने की देखा कि का गए बा, लेकिन पूरब बना की देखी ना रहा। आप देखी ना कुछ गए बा का? आँख में कुछ चल गए रहे कि आँख लड़ावत रहलू। दादी ऐसा कुछ नहीं के, एक्चुअली एक्चुअली हमार खाना बनाए वाली मेड बाड़ी हुआ ना, तो हम सोचने कि आज हम आंटी के हाथ के बढ़िया खाना खाए। अगर तोहरा के आंटी के हाथ के खाना खाए के रहे तो खाए के वक्त आवता ना। आप जी कौन है बात पे पड़ गए बाड़ू, वो खाना तो एगो बहाना रहे, एक्चुअली इनके मिले के रहे। काहे सही कह रलविया ना, तो हमके अब समझ में आई कि यहाँ बुलबुल और गुल के प्रेम कहानी चल रहल बा। बेटा अगर हम तोरा के प्यार कर लिए ना तो तोरा पे गुस्सा भी कर सकीले। और सुन ल, हमार डांट अभी से शुरू हो गई बा कि आज से ना तू दोनों एक दूसरे से मिलब और ना ही फोन पे बात करब। और हाँ
बेटा जी आपके हमना खाना शादी के बाद ही खिलाए अपना हाथ से। जी आंटी जी, पर ऑफिस ऑफिस के बारे में जेकरा बारे में हमके बुलबुल से बहुत जरूरी बात करे के रहे से हमरा। ना ना बेटा, शादी के बाद ना सारा बात कर ली है। पर वो कॉन्ट्रैक्ट? अरे सारा कॉन्ट्रैक्ट शादी के बाद साइन करवा ले। अरे बेटा कौनो बात ना। साड़ी आई एम नॉट गोना वेयर। अरे गॉड जी, इतना सब कपड़ा तू करत का बड़वा लिया? मिताली भाभी, अच्छा भैला आप आ गई नहीं, अब आप हमारी मदद करिए। हमरा इब तहरा के अच्छा लागत। अब हम तहार हेल्प करी बोली ना का? एक्चुअली का बना ई सब ड्रेसेस में आपके कौन से ड्रेस अच्छा लागल आप हमके बताइए प्लीज। हमके? हाँ आपके। हाँ ई वाला देखे ना कितना सुंदर बा। आपके अच्छा लागल? हाँ आप रख ली, कहे कि अभी ड्रेस हम पहनना सके लो, यू नो इट्स टैकी। हाँ ये वाला पूरब और बुलबुल की शादी में मैं सर कहाँ पहनी जाने में हम सबसे अलग दिखी, यू नो आई वांट टू लुक स्पेशल, आई वांट टू लुक डिफरेंट। ट्राई कर पानी आलिया, एक मिनट कहाँ कर रहल बानी आपी? अरे हम देख रहल बानी की तारा के बुखार शुकार तो ना बा, मतलब तारा तबीयत ठीक बा? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हमके का भाई? अरे ना कुछ तो भइल बा तारा के नाता, जौने शादी के तोड़े खातिर तू एड़ी चोटी के जोर लगा देले रहलू, उ शादी ला तू कपड़ा सेलेक्ट कर रहल बाड़ू, सुंदर दिखे चाहताड़ू, मतलब पूरब और बुलबुल की शादी होके दे रहल बाड़ू। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मिताली भाभी, आपके दिखत नहीं कि आई हैव मूव्ड ऑन? जे भइल से भइल, आप एके भूल काहे ना जात बाड़ू और हमके काहे ना भूले देत बा केहू? आप लोग के समझ ना आवेला का कि प्यार सिर्फ पाइप ना होखेला, प्यार तो ऊ होखेला जौने में आप जिससे प्यार करेले ओके अपन प्यार पावत देखी। लेकिन हम आपके काहे समझा रहल बानी, आप तो ही समझिए ना, आपके दिमाग में तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेला, राइट? आपके जी सोचे के बाद, आपके जी करे के बाद वो करी, हम के फालतू में परेशान मत करी। I'm gonna go and try this outfit. गॉड जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर बा ना, तो आलिया पूरब और बुलबुल के शादी होके दी, ओह इतना खुशी खुशी, जहां तक हम एक रह के जानी लेना कुछ ना कुछ तो करी, लेकिन का करी ई समझ में ना रह, ई देखे के पड़ी हमके। शादी तक कल बा, अब तो सिर्फ छोट छोट काम रह गल बा, वो हो जाई। अरे आप चिंता मत करी जी, और भी मेहमान के बुलाव के बाद तब बुलानी। ई मत सोची कि मेहमान ज्यादा हो चाहिए, हमारा भी है ना सब संभाल ली। हाँ जी हमके पता बाकी बेटा जी कौनो कमी ना रखी है, लेकिन हमार भी तो मैरिज हॉल है ना कुमकुम भाग्य, बहुत शादी करवेले बानी हम वहाँ, और हमके पता बा चरा से लोग ज्यादा बढ़ जाव तो कितना परेशानी होखेले, बस ये सोच के हम थोड़ा टेंशन। का बेवकूफ वाला बात कर रहा बाड़ू, इधर दी हमके फोन, हमके दी हम बात करा तानी। ओ जी माँ जी के बात करे के बा, एक मिनट होल्ड करी। हाँ हाँ जी बहन जी नमस्ते। सत श्री अकाल जी। सरला के बात के बुरा मत मानी, उता हर बात के टेंशन में हो चले, वैसे इतना शादी ई अपन कुमकुम भाग्य हॉल से करवेले बिया, उता सब छोट मोट शादी रहे, इतना बड़ शादी ना करवेले ना, एके पता ही ना बा कि बड़ा शादी में एगो बैकअप प्लान भी हो खेला। उहे टाइम के समझावत रहनी हम। अब बिल्कुल ठीक कर रहल बानी, ई सरला जी बानी ना, टेंशन के बिना ते इनकर दिने ना कटत। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बहन जी, हमके आपसे एगो बात करे के बा। हाँ हाँ करी। तू लोग यहाँ खड़ा खड़ा हमार मुँह का देख रहा बाड़ू, जा जाके देखा ना हल्दी घुलल की ना। This is so unfair. हमके घर से निकाल देली और बुलबुल से मिले बिना देली। अभी जाके दादी के सब कुछ बताओ था नहीं और तब जाके मिले बुलबुल से। अरे नाना जी आप बिल्कुल सही कही नहीं, ऐसे ही होके के चाहत रहल। ये आजकल के लड़का जिबाड़े ना, ये शादी के तो सिर्फ एगो फंक्शन समझे ले, फंक्शन बस, सबर नाम के तो चीज ना बा इनमें। देखी ना अब शादी ब्याह के रस्म रिवाज यो भी तो जरूरी बा ना, पर इनके का परवा ना बा। आप बिल्कुल सही कही नहीं, पूरब के ना बुलबुल से ना मिले ना देबू ना, ये होके के चाहत रहे। दीदी दीदी हमके फोन दी ना।
ओ जी नमस्ते। अगर वो ज्यादा सतावे ना तो हमके बता दी। हमनी हो के ऐसन रसम बता देब। शादी के दिन तक छोड़ी, उस शादी के दो दिन बाद तक बुलबुल के पास ना फटकी। ओ गॉड, यहाँ तो हमार कमतर लिखावल जा रहा है। थैंक गॉड कि हम दादी से कुछ बोलनी ना तो शादी के बाद भी। तो फाइनली तू का सोचला अभी? अंकल जैसन कि हम कहले रहनी हमके तनी टाइम चाहिए, कोनो भी डिसीजन लेवे से पहले हम पूरा तरह श्योर और कन्विंस होके के चाहता नहीं। ई खातिर प्लीज प्लीज गिव मी सम टाइम। हाँ ठीक बा, हमने तोरा साथ बानी। आपकी भी थैंक यू, आप ही इनके ये मुसीबत से निकल ले। थैंक यू सो मच। देखा बेटा, हमने तो हर बात माननी, लेकिन अब एगो बात तोहरा के भी हमार माने के होखी। आई मीन हमार एगो शर्त बा। शर्त? कैसन शर्त डैड? शर्त ही बा बेटा की तोहरा के हमनी के साथ कुछ दिन खातिर दिल्ली चले के। हम कोनो दिल्ली विली नजर हल बानी। चले के तो पड़ी बेटा, कहे कि हम लोग अपन दिल्ली के सारा प्रॉपर्टी बेच के मुंबई शिफ्ट हो रहल बानी। एज यू नो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज तोहरे नाम पर बा। डैड हम यहाँ शादी के फंक्शन मिस ना कर सके नी। समझे की कोशिश करी तनु, तोहरे बिना हमनी कोनो प्रॉपर्टी बेच भी ना पाए। पेपर वर्क खातिर तोहार चलब बहुत जरूरी बा। हाँ तो जे भी पेपर वर्क बा आप संभाल लीना, और हमके तंग मत करो। कह के हम न जा रहल बानी मतलब न जा रहल बानी। तनु ई का तरीका बा अपन मॉम डैड से बात करे के? ई तोहार हर बात हर जिद पूरा कैले बाड़े, तू उनकर एक बात ना मान सकेलु। जब ई कह रहल बाड़े कि तोरा बिना काम ना होखी तो तोरा जाए के ही पड़ी ना। फाइन, हम चल रहल बानी आपके साथ। बेटा हम लोग पूरा कोशिश करब कि शादी वाला दिन हम लोग यहाँ पहुँच सके, ताकि तनु के साथ साथ हमने भी शादी अटेंड कर पाए, और शादी के दूसरा ही रोज एगो और शादी होगी। तोहार और तनु के। ना बेटा, अब हम तोहार कुछ भी ना सुना। देखा हमने तोहार हर बात माननी, तोहार हर प्रॉब्लम के समझनी। अब तोहार बारी बा, तोहरा पास समय काफी बा। तू अच्छा तरह से सोचना, समझ ला कि का करे के बा का ना करे के बा। कहे कि हमनी के लौटला के बाद ही तोहार और तन्नू के शादी होगी, और अगर ऐसा ना भइल त एह बार तोहार और तन्नू के रिश्ता के फैसला तोहार दादी करी। हम ओए तू कब आइला और कहां जा रहल बाड़? दादी हम अब अभी से मिले आल रहनी। तू जहाँ भी आ वही जा खड़ा रहे। माँ जी हम तो इजे खड़ा बानी। बोल बोल। इधर आवा। हम इधर आवा बेटा। कहाँ जात रहलो तू चुपके चुपके? हम तो कहीं ना जात रहनी माँ, हम तो बस मार्केट जात रहनी। मार्केट काले में जात रहलू? हाँ वो मार्केट पूरब से। अच्छा पूरब से? ना माँ वो पूरब से हम एक घंटा पहले मिले वाला रहनी वो मार्केट में। लेकिन सिंस हम लोग सभी रीति रिवाज के साथ ही शादी कर रहल बानी, ऐसे हमके तो आपके और दादी की बात तो माने की पड़ी ना। है ना दादी, आप हमसे कहले रहलू ना कि दुल्हन दूल्हा से शादी से पहले न मिल सकेले, है ना? ऐसे हम पूरब के मना कर देने, हम कह देने ओकरा से कि हम उसे न मिलब तो बस। लेकिन उबा जिद पे अड़ल बा, जिद पे जिद, ऐसे हम ओके मना कर देनी, डांट देनी कि हम न मिले वाला, दैट्स इट। शाबाश, का काम कैलू तू, एक नंबर से ड्रामा बाज दिया। हम तोरा के मना कहीं नहीं तब तो पूरब से मिले जात रहलू। तोरा का लगता हम पागल बानी जो तुहार बात मान ले? माँ प्लीज। हाँ माँ जी, अब अभी की अभी एकर फोन ऐसे ले ली ना, बब हम अपन फोन ना दे रहल बानी केहू के। तो के हमार कसम तोरा के ई फोन अभी माँ जी के देवे के पड़ी। दिस इज नॉट फेयर, आप लोग हमारे साथ ऐसे ना कर सके। ई फोन हमारे जन्म से दे दी कार। बेटा हम भी तोहर माँ बानी, और ई घर में उहे ओकेला जे हम चाहे नी। ई तोहार जन्म दे ले बिया, ओकर अधिकार तोहरा पे जा दे। इधर दे फोन। ईला हैप्पी खुश? बहुत खुश।
प्रज्ञा बेटा, एक बार फिर सारा काम चेक कर ली। मंडप कहाँ लगी, पूजा के सामान वही जे कहाँ रखल जाई, और कैटरिंग कैटरिंग वाला के ध्यान रखी है, वो हर टाइम गलत काम कर देले, फिर सही करवावे पड़ेला। एक बार उनका के अच्छा से समझा दी, कहाँ खाना लगी और कैसे लगी, पूरा पूरा ध्यान देवे। हाँ बेटा, अगर दादी के सच पता चल गए ना, हम कभी उनसे नजर ना मिला पाए, वो हमरा से नफरत करे लगी है। माय लाइफ विल बी ओवर। हम कभी खुद के प्लीज प्लीज आप परेशान मत होगा, सब ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक हो जाएगी, कुछ और ठीक नहीं के होके वाला, बल्कि सब कुछ और बिगड़ जात बा। पहले तनु अगला बुकर मॉम डैड आगे ले, बस एक दिन बचल बा। एक बार पूरा बॉय बुलबुल के शादी हो गई ना, ओकरा बाद सब खत्म। न कोनो चमत्कार बचा पाई, ना तो हरी भगवान, ये खातिर प्लीज हमके झूठी तसल्ली मत दा। कैसे समझा पाई हम दादी के प्रेग्नेंट तू ना तनु बिया, और कैसे समझाए कि अगर हमारा रिश्ता तनु के साथ रहे तो हम तुहरा साथे शादी कैसे करनी। तारा काबा, तू चल जाए बुना ई घर और हमके छोड़ के, झेले हमके पड़ी लोग के ताना और दादी के नफरत के। तू जा ना, तू अपन मन बना ले बाड़ू, डिसाइड कर ले बाड़ू, तो तू जा, जाके एंजॉय योर लाइफ, बन जा महान, निभाला अपन फर्ज, ले आवा तनु के घर में, उका बना दे घर के बहू, और हमके दुनिया के सबसे बुरा पति। एक्चुअली ये सही भी है, हम बानी ही नहीं लायक, जो ना इंसान तहार जिंदगी बर्बाद कर देले, तहरा भी ओकर जिंदगी बर्बाद। बस करे आप, का बोले जा रहल बानी, आप ना जाने ले कि आप हमरा ला का कहले बानी, और अगर हम के आपन बारे में सोचे के होत ना, तो हम कब से ही घर से चल गए होती, बदला लेवे के होता आपसे तो कब से ले चुकल होती, लेकिन हम इसे ना कर रहल बानी, काहे कि हम आपसे शादी कहले बानी, हमारी जिंदगी आपसे जुड़ल बिया, जो ना आपकी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है, जितना आप परेशान बड़े होते हम परेशान बानी, और कह रहल बानी जा जी ला अपन जिंदगी, और आपके काहे ऐसा लागत ताकि हमके कुछ सुने की ना पड़ी, हमारे परिवार ना भैया, कभी सोच ले बड़े की हमके का सुने की पड़ी। दादी आपसे सिर्फ गुस्सा बानी, लेकिन सबसे ज्यादा तो हम उनकर भरोसा तोड़ के जाए ना ये घर से। आप इतना बड़ स्टार बानी, लोगन के लागे ला कि स्टार्स के रिश्ता जितना जल्दी जुड़ेला उतने जल्दी टूट जाले लोग एक्सपेक्ट कर ली है, लेकिन हम जब घर वापस जाए तो हमके ना ऐसा जिंदगी मिली ना वैसा जिंदगी, लेकिन फिर भी हम आपके साथ बानी, ये सब कर रहल बानी कि आपके अपन प्यार मिल जाओ, दादी के सपना पूरा हो जाओ, और आप हमसे पूछ रहल बानी। ये घर में हमार जगह तनु ले ली, आपकी जिंदगी में बच्चा आ जाए, जिके देख के दादी अपन गुस्सा भूल जाई हैं, लेकिन हम तो वही जा रह जाए ना अकेला, अकेला जिंदगी जिए से बड़ सजा और कौनो ना हो सकत, लेकिन आपकी खुशी खातिर हम की वो सजा भी मंजूर भी, और आप कर रहल बन कि हम अपन बारे में सोच रहल बन। I'm sorry. I don't know what's happening to me. लेकिन हम ऐसा ना रहनी। हम लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर ले बानी, लेकिन कबो प्रॉब्लम से दूर ना भगनी, कबो परेशान ना भइनी, लेकिन आज इतना तकलीफ हो रहल बा के छोट छोट बात पे गुस्सा हो रहल बानी हम। शायद हम ये बात से डर रहल बानी कि कहीं हम तोरा के खो। अब प्लीज माफी मत मांगा, आपके कौनो गलती ना बा, हम ही कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गई नी, पता ना का हो गए हमके, हम इतना प्रैक्टिकल रनी लाइफ में, हम सारा प्रॉब्लम इतना जल्दी सॉल्व कर देते रहली, और हमके समझ ना आ रहल बा कि हम खुद का करल बानी, शायद हमके ये बात की डर बा कि कहीं हम आपके खो।
शायद पहली बार इस प्रॉब्लम्स एक साथ इतना लोगन की जिंदगी में आ गए। प्रॉब्लम्स इतना सब और टाइम कितना कम, ये वजह से हमने ऐसे बिहेव करा है बानी। एक मिनट, तू ऐसा का कलू, तू है रहबू, अकेले जीबू, हमसे अलग होने के बाद तुम्हारा शादी ना करबू? रात बहुत हो गई बिया, हमने की सोचा के चाहिए। तरह से कुछ पूछा था नहीं, तू ऐसा काहे कहलू कि तू दूसर शादी ना करबू? आपके हमारा ना अपन फिकर करके चाहिए, हमारी जिंदगी में जीबी होकी होकर जिम्मेदार हम बानी। हमरा वजह से तहरा ही सबसे गुजरे के पड़त बा, यही से हमारी फर्ज भी ना बल्कि हक भी बा। तो ऐसा काहे कहलू कि तू यहाँ से जाए के बाद दोबारा शादी ना कर? तू यहाँ से जाए के बाद दोबारा शादी करबू कि ना? ना काहे ना, काहे कि इंसान एक बार पैदा होखेला, एक बार प्यार करेला, शादी भी एक के बार होखेले। प्यार पे कभी भरोसा कहीं नहीं ना, शादी पर से भरोसा उठ गए बा। अब ना चाहत बानी की जिंदगी भर से भरोसा उठ जाओ, अब हम अकेले ही रहा। गलती हम दोबारा ना करे चाहत पानी, और अब अगर हम फिर से शादी कई नहीं था तो वो सजा हमराला नहीं खे, केहू और खातिर होगी। और आपके एक बखत हमार ना दादी की चिंता होके के चाहेगी, हमने उनकी सच कैसे बताई? हमने के पास जो वक्त रहा वो अब ना बा। अभी तक हल्दी खोल के रखल ना बा, एक घर में हमने बिना काम ना होखेला। ओ एक मिनट बेटा, हां जरा पता ना, अगर हम ना होखे तो एक घर में कोनो काम हो ही ना सकेला। काहे कि सब काम हमके करे पड़ेला, सब लोग आराम से खड़ा रहले। अब का ऐसे काहे देख रहल पड़ो हमके? ठीक तो करल बानी। अरे अभी तक हल्दी भी ना खोलनी, कब बुलबुलाई, कब हल्दी लगी? और हल्दी ओहे रहल बा मां, अब हम ही रखले बानी? हमके पता बा इतना सब काम होखेला तो भूल जाइले ना, हम हमेशा हमके ही बस ऐसे। पता बा दादी, जब से हम ससुराल गल मानी और कुछ ना सी, लेकिन माँ के ऐसे भूल जाए बेवजह परेशान हो कब बहुत मिस करेनी। अब यहाँ आयल बानी ना, मन करेनी कि रोज माँ के परेशान करी वापस ही ना जाई। ऐसे ना बोले ले, अरे ये तो तुहार अपन घर है ना, तुहार जब मन करे तू यहाँ आ सके लो बेटा। बेटा वो तुहार पति के घर है, अब उहे तुहार घर है। सरला, अब तुहार इ लाडली के साथ इ रूठ बे मनावे के ड्रामा पूरा हो गयी होके, तो दूसरा लाडली के तरफ भी ध्यान दी। अगर ओके अभी हल्दी ना लगवलू ना, ओके तो शादी के ऐसा बुखार चढ़ल बा उ तो बिना हल्दी लगवले ही विदा हो जाई। वैसे हम सुनने बानी कि शादी में हल्दी ऐसे लगावेले ताकि चेहरा पे ग्लो आवे। हमके ना लगता कि बुलबुल की हल्दी लगावे की जरूरत बा, वैसे भी एकरा चेहरा पर इतना ग्लो बा, शादी वाला रात कितना होगी। दी तू देख नहीं लो कैसे हमके चिढ़ा रहल बानी। हम का बोली, जब तू इनके बोलत रहलू तो इनके चुप करावत रहनी। हम आज तहार बस एगो ही काम किया, चुपचाप यहाँ बैठ सबकर बात सुन और शर्मा ऐसे हल्दी लगावा शुरू कर। हाँ पहले बड़ बहन करी ना, चल प्रज्ञा हल्दी लगाई शुरू कर। Ah
दादी हमके गो बात बताई, ई हल्दी चटनी मिर्च मसाला जे कुछ भी बाई सब कुछ हम पे लग रहा बिया, तो फिर बुलबुल की मम्मा जे बानी इतना परेशान का है बानी? तो चुपचाप अपन हल्दी लगवावा, ज्यादा मत बोल। हम बस ऐसे कहत रहने का है कि बुलबुल के जे मम्मा भी है ना, वो जब परेशान हो के लिए ना तो बिल्कुल अच्छा ना लगे ले। तो तू ही बताओ हम का करी? एक आंख तो शायद यही खातिर को सोरल बिया कि हमार बेटी अपन मनपसंद दूल्हा के साथ अपन घर बसावे जा रहल बिया, और दूसरा आंख शायद यही खातिर बहरल बिया कि ओके ये लग रहल बा कि हमार बच्ची अब हमेशा खातिर हमरा से दूर चल जाए, खुद समझ में ही ना रहल बा। अफो दादी देखी माँ अब भी कंफ्यूज हो रहल बिया, प्लीज माँ के समझा दी ना कि जब हमार डोली उठ रहा की ना तब माँ कहिए कि ना 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 एक ही मत भेजिए, और जब आप हमके रुकिए तो हम तो रुक ही जाए। हमार कोनो सामान भी नहीं मिले। प्रज्ञा प्रज्ञा ये कहाँ चल गई? वॉशरूम में देखा था ना, हम भी एक नंबर के इडियट बनी, अभी वॉशरूम से आ रहा बनी तो प्रज्ञा वॉशरूम में कैसे हुई? फोन करके देखा था नहीं। तो हर फोन बज रहा बा प्रज्ञा, कमाल है उ लोग के पता ही बा कि एकरे बहन के आज हल्दी है, फोन कर रहा बाड़े रहे दी। दादी एक बार देख ली ना क्योंकि अर्जेंट कॉल रही था। हाँ हमारे हाथ पे तो हल्दी भी है ना। चल हम देखता नहीं केकर फोन है। अरे ये तो अभी के ही बा। हेलो हाँ आप उठ गए इतना जल्दी? कहाँ बाड़ू तू? हम वो हल्दी हल्दी हमके यहाँ हमारा सामान नहीं के मिला, थोड़ा हल्दी के पड़ल बा। अरे एक दिन खाना में हल्दी ना होगी तो कौन से पहाड़ टूट जाये? एक मिनट। अरे हम खाए वाला हल्दी ना लगावे वाला हल्दी की बात कर हलबानी, आज बुलबुल के हल्दी ना एला घर हलबानी। ये कितना बड़ा सेल्फिश भी है, हमके बताइले बिना चल गेल, और ये का क्यों हमका नहीं के बताइले? का बे सुतते ना गईला? हम कहत रहली के अरे होल्ड करा दादी के फोन आ रहल बिया, हम आपसे बात करता नहीं, होल्ड करा हम जल्दी करा। हाँ दादी बेटा हमके सिर्फ इतना पूछे के रहे वहाँ हल्दी के रसम ठीक ठाक चल रहल बिया ना, कोनो चीज के जरूरत तो नहीं थी ना दादी? बिल्कुल ना, यह सब कुछ बहुत अच्छा हो रहल बिया, आप टेंशन मत ली। तू हमार ना सरला जी से बात कराओ। अरे वो बुलबुल के हल्दी लगा रहल बानी बेटा, हल्दी के रसम के हमके फोटो जरूर भेजिया, हम देखे चाहता नहीं बुलबुल कैसा लगतिया हल्दी में। हाँ जल्दी भेजता नहीं दादी, हम बस थोड़ा देर में फोटो खींच के आपके भेजता नहीं, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अब बताओ फोन कहाँ है कहले रहल आप? हम कोनो खातिर फोन कहले रहनी? हाँ याद आ गई। अरे सॉरी सॉरी आपके फिर होल्ड करे की पड़ी दादी, दोबारा फोन आ रहल भैया। हाँ भाई अरे तू दादी के होल्ड पे रखा, हमके हमारा सामान नहीं मिला, तू दादी के? हाँ दादी हेलो बट कम ऑन लेट्स मूव इट, अभी पूरब के बारात आवे से पहले तरह सारा काम खत्म करे के बा। अरे बारात आ गई, चलो 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 आप में से केहू के बाहर जाए के जरूरत नहीं है, बारात अंदर ही आ चुका है। बारात अंदर आ गई? बारात हम आते हैं। अरे दादी दादी वाह बेटा, जब तक हम तुहरा सामने नाचत रहनी तुहार मुंह लटकल रहे, और जैसे ही तुहार होके वाले बीवी के बहन आ गई तो मुस्कुरावत आ रहे। हाँ सबसे कह दे कि सबसे पहले वेलकम हमार होकी। पूरब अपन
अपन दोस्त से कह दी कि ही बारात के स्वागत हो खेला बिगड़ल नवाब के ना और इनके खातिरदारी चाहिए ना तो हम के वो ऐसन की जानी ले जो बहुत अच्छा खातिर करी ले इनकर। हाँ बुलाओ बुलाओ दादी। का भेल बेटा दादी वो हम कह तान कान का हो रहल दादी तान अब... गुड़ी गुड़ी गुड़ी। हम बोल रहल बानी ना दादी हम के ना बारात के स्वागत करे देता नहीं ना ना पूरा के तिलक करे दे रहल बानी उनकर आरती उतार दे रहल बानी। बेटा ई काम तो सरला जी के बिया उनके करे दी उनकर हक आई माँ सरला जी आई 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 जी सरला जी स्वागत करी बारातियन के। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और थोड़ा देर इंतजार कर ले इधर उधर देखना बंद कर। का भेल जीजा जी केकर वेट कर रहल बाड़ा बुलबुल के। अरे हाँ बुलबुल के वेट कर रहल बाड़ा। कौनो फायदा ना जीजा जी हम ओके वरमाला पहनावे ही ना देब इतना आसानी से तो ना का है? एक सेकंड चला मेरा साथ चला कहे ना वरमाला पहनावे देबू हमने के मूड ही ना बा बुलबुल के आपके देवे के। तू दोनों के मूड हो के ना होके बके हमारा आज पूरा मूड बा हम ठान ले बाने के हम आज बुलबुल के अपने साथ लेके ही जाए हमने रिक्वेस्ट से ना माने वाला। ठीक बा तब व्हाट अबाउट द डील। डील अरे जयमाला के टाइम हो गए बा जयमाला ना आए अभी तक सारा चीज पहले ही अरेंज होके चल रहा है। इतना जोर से काहे बोल रहे बाड़ा काम डाउन वेट आई विल अरेंज इट। रचना तू काहे उठा रहल बाड़ू घर में नौकर भी बाड़े। का तू भी वो देख रहल बाड़ा जे हम देख रहल बाड़ी। हाँ दादी यकीन नहीं के होत कि उहे आलिया हिया शादी पूरब के हो रहल बा और मैच्योर आलिया लग रहल बिया। इतना जिम्मेदारी के समझे लागल बिया हमार बच्ची। भाई आई नो थोड़ा काम अभी भी पेंडिंग बाड़े लेकिन डोंट वरी आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। हम अरेंज करता नहीं एक सेकंड। हमें के फोन भाई प्लीज डांटिया मत हम फोन करता नहीं ना सब कुछ हो जाए शादी के पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा से हो जाए। हमारा बहन इतना बड़ा हो गए और हमके पता भी ना चला। यार राइट भाई जैसे कि आप इतना साल से आप हमके देख ले ही ना कि हम इतना लंबा कब हो गई। हम तो हर हाइट के ना तो हर मैच्योरिटी के बात कर रहे बानी एंड दादीज वर्ड लड़की सियानी हो गई। प्लीज भाई लाइक इन दादीज वर्ड्स अब ई मत बोलिए कि सयानी भ गइल बिया त लड़का भी ढूंढ ला शादी भी कर लेवे के चाहिए कहे बच्चा भी बता हां भाई इतना सारा लड़का भाई यहां पे केहू के सेलेक्ट कइला और शादी कर ला आज पूरा की शादी बाहुर। मां जी बुलबुल कितना सुंदर लग रहा है बिया ना आइसन कहल ना चला हमनी के ही ना चल लग चाले ना लकी मां जी हम काला टीका लगा देनी है। मुंह बंद करा पूरब कहीं ऐसा ना हो कि सबका अटेंशन सिर्फ तहार ऊपर ही रहे। पूरब बुलबुल वरमाला डाल ना पूरब के गला में पूरब ऐसे ना अरे गो पूरब 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 कम ऑन इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है वो काबर ना कि हम तुम्हारे फ्रेंड के साथ एको डील कर रहे हैं। का डील ई रहे कि अगर आज वो लोग तोरा के वरमाला पहनावे दीहन त हम उनके अभी के लाइव कॉन्सर्ट दिखाए। और काका डील कैले बाड़ा तू बस ज्यादा कोनो डील नहीं के बस ये डील कैले बानी कि आज हमके तोरा के यहां से ले जा सके ना रुक सकेला तू भी ना रुक सकेलू और कोई भी ना रुक सकेला। तो का तू हमके ऐसे नंगा पांव ही लेके जाए अपन घर। नंगा पांव मतलब जूता छिपावे की रस्म होखेला तो
उ रसम में तरह के पैसा देवे के पड़ी। तरह चुपचाप कोनो डील ना कही के 10,000 रुपया दे दिया, ठीक बा? 10,000? हाँ, ऐसे कहे देख रहल बाड़ा आँख फाड़ फाड़ के। 50,000 बोले वाला रहनी, ऑलरेडी कम कही के बता रहल बानी। आज हम तोरा के यहाँ से ले जाए खातिर 50,000 का 50 लाख देवे खातिर तैयार बानी। चल अरे सुना तनु के मैसेज, सॉरी अभी हमने शादी पे ना आ पाई, बाकी कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग हमनी के फ्लाइट बा। मॉम डैड आवत ही तो हर फैमिली से हमनी शादी के बात करी। The number you are trying to call is currently busy. ये फोन काहे काट देली? सॉरी अभी अभी बात ना कर सके लिए अभी मॉम डैड के साथ बनी। प्लीज अपन मॉम डैड से कहा हम के 2-3 दिन के टाइम और दे दे। सॉरी अभी वो हमार बात नहीं के मानत। चाहत का बड़ी लोग 2-3 दिन और ना रुक सके ले। एक बार शादी हो गई लुकरा बाद हम तो। अरे प्रज्ञा, एके कहाँ लेके जा रहल बड़ू? अभी तो सिर्फ वरमाला भइल बा, शादी के सारा रसम बाकी बा। रसम में थोड़ा बखत भी यार भाभी, ऐसे बुलबुल से कहनी है कि थोड़ा देर आराम कर ली तो अच्छा रही। अच्छा बा आराम कर ली, शादी में तो बहुत टाइम बा। चल चल रचु भाभी, आप लोग बुलबुल के लेके ऊपर जाइए, हम अभी आवतानी। हाँ आजा बुलबुल आजा। का भाई लाब यहाँ अकेले का है बैठल बाड़ा? सुना हाँ? कुछ कह लू तू? हाँ हम पूछे त्रनी क्या पैसे परेशान का है बैठल बाड़ा? परेशान हूँ उस परेशान? अरे तुहार बहन की शादी अब पूरब से होके वाला बा, मतलब हमारा आधा टेंशन पूरब के घर चल जाई तो हम का है परेशान होगा? आई एम सो एक्साइटेड मैन। आप झूठ मत बोला। हम झूठ का है बोला? और तोरा तुहार बहन के पास जाए के चाहिए, अकरा तोहार ज्यादा जरूरत बा। कहीं तनु के पेरेंट्स तक कुछ आपसे? आर यू क्रेजी? अगर ऐसे कुछ हो तो हम ऐसे रिलैक्स थोड़ा ना बैठती। अरे हमार तनु के फैमिली लॉयर से बात हो गई बा, वो लोग के पेपर वर्क में उलझावे वाला बड़े, तब 4-5 दिन के वक्त मिल जाए हम लोग के, तब तक हमनी कोनो सलूशन ढूंढ ले ई प्रॉब्लम के। वाकई आपके बात भइल है? हां हमके लागत रहल कहीं है रही थी। आप ए तरह अकेला मत बैठना, वहां वहां सबके साथ बैठ जा। ऑफ कोर्स प्लीज। शिट, अगर दादी आ गई नहीं तो हम हमार कान खींच लेंगे। ओफो दी, दुपट्टा निकाले में प्लीज हमार मदद कर। आराम से दी, उसकी मेकअप खराब हो गया। ओहो दी, कितना हैवी है सब कुछ, और नोज पिन हमेशा गिरत रहे। अब बार 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 बाल खराब हो जाए। अगर हम थोड़ा देर और पहनी ना तो हम बेहोश हो जाए। इतना हैवी नेकलेस कैसे पहन सके ने दी? एक एक चीज तो खुदे सिलेक्ट कर ले बाड़ू ना, फिर खुद का नुक्स निकाल रहा बाड़ू। हाँ हमके का पता रहे दी कि इतना भारी होगी, हमके सुंदर लगे के रहे थकल ना। और ये इयर रिंग्स भी। हाँ आराम से लग जाए चोट। दी यू हॉट कलर जुड़ा खोल जाए। बोल बोल का कर रहल बाड़ू तू? दी हमार बाल खींच रहल भैया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हो गई। हाँ दी कितना बेटर लग रहल भैया। अब तो इधर बैठ जाओ, हम तरह पानी लेके आवतानी। ओफो दी, लेकिन ये दुपट्टा के पीछे छोड़ चुपचाप बैठ जाओ, पानी लेके आवतानी ना। रुका